नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एक तो बीएफपी के बारे में कि बीएफपी अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अब अक्टूबर में रिलीज होने की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि हकीकत यह है कि अभी अमेजन प्राइम वीडियो ने जो नई रिलीज डेट अनाउंस की है वो सिटाडेल हनी बनी सिटाडेल, जो वरुण धवन और सामंता रूथ प्रभु की जो वेब सीरीज है सिटाडेल, उसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी उन्होंने ट्रेलर के साथ। मतलब कि 7 नवंबर को ये रिलीज हो रही है अमेजन प्राइम वीडियो पर। तो अब इतनी जल्दी तो दो बड़ी बड़ी सीरीज मुझे नहीं लगता रिलीज करेंगे 7 नवंबर के पहले। मुझे नहीं लगता अभी अभी को वो रिलीज करेंगे, क्योंकि करीब अब देख लीजिए आप 14 तारीख 15 तारीख को इन्होंने इसका ट्रेलर जारी किया सिटाडेल का, तो अब 7 तारीख को ये आ रही है, तो 15, 7, 22 मतलब करीब 20-22 दिन ये पहले इन्होंने डिक्लेयर किया है इसकी रिलीज डेट 7 नवंबर को ही आ रही है। तो इसका मतलब तो कम से कम 15-20 दिन पहले बीएफपी की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। तो अब 7 को तो आनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगले महीने तक पोस्टपोन कर दी गई है। इस महीने अक्टूबर में बीएफपी नहीं आएगी अब मुझे लगता है, अब ये पर्सनली मुझे लग रहा है, बाकी इनका पता नहीं है। जब तक 20 तारीख को करके 10 दिन के प्रमोशन पे खरीद देगी 30 अक्टूबर को आ जाएगी, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है दोस्तों, इसकी संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये इस महीने अनाउंस जरूर कर देंगे, रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे कि कितनी तारीख को आ रही है। 25 तारीख तक जिसे अनाउंस करे तो करीब करीब ये मान लीजिए कि आप 15 नवंबर तक, तो फिर 14 नवंबर को अभिषेक की एक और फिल्म आ रही है सुजीत सरकार वाली, लेकिन वो थिएटर्स में आएगी, तो दोनों साथ साथ आएगी, क्लेश करेगी, या कोई 5-7 दिन के गैप पे इनको रिलीज करेंगे एक ओटीटी पे और एक थिएटर में। तो दोनों का ही एक जबरदस्त एक संभावना लग रहा है कि बीएपी अगर नवंबर में कैंसिल करके दिसंबर में लेके आते हैं, क्योंकि इस साल तो रिलीज करना है, ये तो कंफर्म है कि इसी साल आएगी बीएपी। अब अक्टूबर में नहीं तो फिर नवंबर, और अगर नवंबर में नहीं करेंगे, नवंबर में अगर ये सोच ले कि अभिषेक की एक और फिल्म आ रही है तो फिर दिसंबर, लेकिन एक एक्यूरेट डेट कब आए ये जरूर एक सोचने की बात है कि कभी है, मतलब एक ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। अब मुझे तो अब ज्यादा संभावना नहीं लग रही कि इस महीने तो कम से कम इसको रिलीज करेंगे बीएपी को, नेक्स्ट मंथ रिलीज करते हैं तो फिर दो दो फिल्म अभिषेक बच्चन की आपको नवंबर में देखने को मिलेगी, एक ओटीटी पर और एक थिएटर में, देखते हैं क्या होता है। और अभी सुजीत सरकार अभिषेक की फिल्म वाले की भी रिलीज डेट कैंसिल नहीं हुई है, अभी पोस्टपोन नहीं की गई है फिल्म को, मैंने अभी लेटेस्ट देखा है, तो कांगवा से टकराने की पूरी तैयारी है, कांगवा 14 तारीख को आ रही है, 15 को साबरमती रिपोर्ट आ रही है विक्रांत मैसी की और अभिषेक की है सुजीत सरकार की, ये फिल्म आ रही है अनटाइटल जिसका भी टाइटल तय नहीं हुआ है। तो काफी कुछ मतलब पेच फंसा हुआ है अभी, अभी कुछ भी हो सकता है अभी, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं हो और दोनों फिल्में टकराए, जबरदस्त तरीके से टक्कर हो ही है, और ये भी हो सकता है कि अभिषेक बच्चन की फिल्म को पोस्टपोन हो जाए बाद में रिलीज करे। तो कुछ भी अभी 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरा जरूर आएगा इसमें, क्योंकि अगर कांगवा के साथ टक्कर होती है और विक्रांत मैसी की साबरमती रिपोर्ट के साथ टक्कर होती है अभिषेक की फिल्म की, और जबरदस्त फिल्म निकलेगी अभिषेक बच्चन की मुझे पता है, क्योंकि सुजीत सरकार के साथ बहुत जबरदस्त फिल्म बनाते हैं सुजीत सरकार, तो अगर वो चल पड़ी फिल्म तो फिर बाद में काफी बड़ा ये एक ये जुआ जो सफल है वो जुआ है जो सफल सिद्ध हो सकता है। आप क्या सोच सकते इन सब के बारे में बताइएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।